श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और किसी के पास कोई जवाब नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं चंदना, जो कि यहाँ एक फलों की दुकान चलाते हैं, सब्जियों की दुकान भी यहीं पर पास में है। चंदना से बात करते हैं। चंदना, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दीज फ्रूट्स इफ वी कंपेयर इट विद लास्ट मंथ? इज इट रियली हाई? इट्स डबल प्राइस। या डबल प्राइस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मैंगो। मैंगो इज बिफोर किलो 350 400, नाउ इज किलो 800 700। या इनिशियली इट वॉज 350। या 350। या बट नाउ इट्स 700। नाउ या एंड व्हाट अबाउट ऑरेंजेस? ऑरेंजेस आल्सो वेरी हाई। बिफोर वी आर सेलिंग किलो 400, नाउ किलो 800। ओके या एंड एप्पल? एप्पल वेरी एक्सपेंसिव, नाउ किलो 1200। बिफोर आई एम सेलिंग किलो 400 350 लाइक दैट। या ओके एंड पाइनएप्पल? Pineapples, kilo, no, one pineapple is 400 rupees. Before is 200, 250, yeah. Okay, and watermelon? Watermelon is kilo, before 80 rupees, now is 250 rupees kilo, yeah. Okay, and banana? Banana is the same price, yeah, last price. This is okay, yeah, because we have a lot of bananas, right? Okay, could you please help me out with the vegetable prices also, if you come with me? Please come. ओके, सो फ्रूट्स की जो कीमतें बढ़ गई हैं, लगभग दोगुनी हो गई हैं, यहाँ पर सब्जियों की कीमत के लिए भी हम बात करते हैं कि आखिर सब्जियों की कीमत क्या है। यहाँ पर दुकानदार, हम कोशिश करेंगे इनसे भी समझने की कि आखिर अभी सब्जियों की कीमत क्या है। देख सकते हैं कि कई सारी दुकानें जहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई हैं। You understand English? What's the prices of vegetables currently? Is it high? Sorry? Prices of vegetables are high? Very high. If you compare it with last month, then what's the? Double almost, double increase. Sorry? Double, triple. what about potatoes? What about 341 kilos, see? Sorry? 340 Sri Lankan one. Okay. Desi kya? 340. 340 per kilo. Per kilo. Sri Lankan one. Okay. See. And last month it was? Last month it was 280 was. 280. Yes. Okay. And what about cauliflower? Cauliflower today 900. 900. Last month 600. 600. And capsicum? Capsicum, yeah, 850. 1600 red and yellow. Green cucumber 650. And last month it was? Last month it was half and half. Almost half. Yes. Okay. Almost if half. We let's go with spinach and carrot. Carrot. Last month 280. Like something. Today 440. 440. All increase. Everything so increased stuffs. And what all the vegetables you have? Tomatoes. Tomatoes. My God. Can't. Is it so? See how many it takes people 800 rupees for tomatoes. 800 rupees per kilo tomato. Per kilo tomato. Last in this month it was? Last month it was 300. No, last month it was 180, 250. 180. Yeah. 280 like this. Only 100 rupees ka farak. Okay. See? You understand Hindi also? Yeah, it's a little bit more. So इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर जो है हिंदी में बता सके तो ये कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं? क्यों बोले तो जी ये सब economic crashes. See, economic crashes, no dollars, how to find the transport का उसका ज़्यादा चलता है, इसलिए बहुत पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। पेट्रोल जैसे पेट्रोल ऑलमोस्ट पेट्रोल एंड डीजल का बढ़ी हो गया, इसलिए तो उस वजह से। तो अब ऐसे में जो लोग खरीदने आते हैं यहाँ पर वो कितना लेते हैं? अगर कोई पहले एक किलो लेता था तो अभी वो कितना लेता है? अभी तो 500 ग्राम 200 300 ग्राम लेता है। जो पहले एक किलो लेता था किलो था अभी कम थी लेता है हाफ 500 ग्राम लेता है। पहले एक किलो आदमी लेने का आदमी अभी 500 ग्राम लेता है। सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है जो आप लोगों के पास सप्लाई आ रही है? सप्लाई तो बहुत कम थी आ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव बोलता है जी। अच्छा। सप्लाई से बहुत कम थी तो हम लोग ऑलमोस्ट कैबेज 200 ग्राम ऑर्डर किया था, ये लोग 100 ग्राम 150 ग्राम ऐसा बोलता है। और ये जो आग लगी हुई है उसकी वजह से जो ग्राहक आते हैं वो कितना जो है, कितना आप लोगों की पहले सेल कितनी हो जाती थी, अब कितनी होती है सेल्स? मतलब सेल जो टोटल जो वेजिटेबल्स लोगों को बेचते थे कितना पहले कितना बेचते थे, अभी कितना बेचते हैं?
अभी तो एक दिन से बहुत कम आता है जी, बहुत कम आता है। तो सारे स्टाफ लोग के सैलरी दे पा रहे हैं आप? सैलरी भी दी तो कम करके नहीं, तो ऐसे में तो आपका बिजनेस के वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। बिजनेस तो बहुत कम थी, डर आदमी लेने के लिए डर रहा है, बहुत सब्जी लेने के लिए डर रहा है, बोले तो सब्जी तो बहुत महंगा है। हाँ, उधर डिलीवरी करने की भी कोई कोशिश ये ताकत नहीं है, पेट्रोल भी महंगा है, इसलिए डिलीवर करने के। आप लोग डिलीवर भी करते थे? डिलीवर भी किया, अभी नहीं, आप नहीं कर रहे? नहीं करते, कैसे करते गए ऐसा। सबके बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी यह हालात हैं, अगर कुछ दिन और यही है जो सिचुएशन बनी रही तो फिर क्या होगा? क्या होगा मालूम नहीं जी, तो सर ऐसा जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में वही भी नहीं चलेगा। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? शिरार। आपको बिजनेस पे अभी आपको सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा होगा? तो मुश्किल है अभी, ये बोले तो ये इतना बिजनेस में नहीं हो रहा है, दो तीन महीने अभी 2 बजे से कफ्यू और कफ्यू शुरू होता है, इसलिए आदमी लोग बहुत डर के सामान लेते हैं उसे। मतलब ये भी वजह है कि लोग ज़्यादा भी सामान ले जा रहे हैं क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि कल क्या होगा, सब्जी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा मालूम नहीं जी। तो ज़्यादा भी ये जो खरीद रहे हैं? ज़्यादा लोग खरीद रहे थे, स्टॉक कर रहे हैं। तो ये है सिरा जिन्होंने हमको समझाया कि आखिर सब्जियों की क्या कीमत है, लगभग दोगुनी हो गई है। टमाटर की कीमत तो लगभग लगभग 5 गुनी है। लोग जो है जो पहले 1 किलो खरीदते थे, अब 200 ग्राम 250 ग्राम खरीद रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये यहाँ की फल और सब्जी के बाजार की है, जहाँ पर हर एक सब्जी की कीमत कई गुना बढ़ गई है और लोगों में डर ये है, उनको नहीं पता कि कल क्या होगा, कल सब्जी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस वजह से कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रख सकते हो रखें, लेकिन सिरा के सामने दिक्कत ये है कि आधे दिन दुकान खुलती है और उसमें भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, लोग आकर के मोल भाव करते हैं। इनके सामने दिक्कत यह है कि बिक्री जो पहले जो है, उदाहरण के तौर पर अगर ये दिन भर में 50,000 की करते थे तो आज की तारीख में 5 से 10,000 के बीच की हो रही है, और वो भी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि लोगों को होम डिलीवरी कर नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। और इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी, दुकानदारों को भी। और रही बात फलों और सब्जियों की, तो उनकी तो कीमत पिछले सिर्फ 1 महीने के दौरान ही 2 से 2.5 गुना हो गई है, और कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनमें 4 से 5 गुना हो गई है कीमत। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, EBP News, कोलंबो।